मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का यह सप्ताह कैसा रहा। 23 जुलाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि बुलढाणा यवतमाल आदि जिलों में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों का तुरंत पंचनामा किया जाए और प्रस्ताव सरकार को सौंपे जाए। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। 24 जुलाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिग्गज अभिनेता जयंत सावरकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, हमने एक अनुभवी अभिनेता खो दिया है जिन्होंने दो पीढ़ियों को जोड़ा और अपने सशक्त और दमदार अभिनय से प्रशंसकों के दिलों में घर कर लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोतीबाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह मदन दास जी देवी के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 25 जुलाई राज्य सरकार राज्य में केला निगम स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि इस निगम के माध्यम से केला फसल अनुसंधान केंद्र आदि के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई। अपन केळी महामंडळाच्या बद्दल इथे मुद्दा उपस्थित आहे। अपन केळी महामंडळ त्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि संशोधन केंद्र 50 कोटीचं नियोजन सगळं केलेलं आहे, त्यामुळे काळजी करू नका। सोलापुर शहर में सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि अलग अलग घटनाओं में बिजली के झटके से मरने वाले 3 लोगों के परिवारों को सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। संबंधित पानी 8 दिवस लोकांना पानी मिळते, पाण्याचा हा जिवाळ्याचा प्रश्न आहे, त्यामुळे संबंधित महापालिका आयुक्तांना योग्य ते नियोजन करण्याची सूचना मी देतो आणि जे मृत्यू झालेले आहेत त्यांना देखील आपण शासनाच्या वतीने मदत करू। 26 जुलै मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में लद्दाख में त्रिशूल युद्ध स्मारक का दर्जा बढ़ाने के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड सेना को सौंपा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में विधान भवन में आयोजित बैठक में औरंगाबाद जिले के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिले में विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं अद्वितीय हो। 27 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जमा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिलों के किसानों ने टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस अवसर पर राज्य में वर्षा बुआई आदि की समीक्षा की गई। 28 जुलाई पूरे राज्य में बारिश की रफ्तार तेज हो गई है और कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के पानी से नागरिकों के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार ने हमेशा ऐसे मामलों में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और पीड़ितों को 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी है। यह बढ़ी हुई सहायता जून से अक्टूबर 2023 तक चालू मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रदान की जाएगी। आता ज्यांचं नुकसान झालेला आहे, घरात पाणी शिरले, धान्य कपडे भांडी कोंडी भिजलेले आहेत, 5,000 रुपये आपण तात्काळ मदत देत होतो, ती आता आपण 10,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उम्मेद अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली रिवॉल्विंग फंड को दोगुना कर 20,000 रुपए देने की घोषणा की। महिला बचत गट सक्षम करण्यासाठी जे उम्मेद आहे त्यांना देखील जे सीआरपी जे आहे 54,000 त्यांचं मानधन 3,000 रुपये होतं ते वाढवून 6,000 रुपये केलं। आणि महिला बचत गटाचा जो रिव्हॉल्विंग फंड होता खेळतं भांडवल ते आता 15,000 रुपये होतं,
केंद्राच्या पण निर्णयाप्रमाणे आपण ते 30,000 करणार आहोत. 30,000. 29 जुलै मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मलकापुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर रेलवे फ्लाईओवर पर दो निजी बसों की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने बुलडाणा जिला कलेक्टर से हादसे की जानकारी ली और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया. सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहें.